हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे क्लास सिक्स से लेके क्लास टेन तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। मैथ्स की बात करने वाले हैं एंड कक्षा दसवीं के जो बच्चे हैं उनका मैथ्स एंड साइंस दोनों की सीरीज चल रही है। इस चैनल पे कंप्लीट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स पहले प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैथ्स की कंप्लीट सीरीज, हर एक टॉपिक, हर एक स्वाध्याय, हर एक प्रश्नावली के एक एक एग्जाम्पल्स आपको करा के दिए जा रहे हैं। बात करेंगे सर आज का टॉपिक हैशटैग नंबर वन। हैशटैग वन मींस होता है जब कोई भी टॉपिक्स, कोई भी चैप्टर्स, कोई भी स्वाध्याय हमारा स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी फॉलो की जा रही है मैथ्स क्लास आठवीं हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात करूंगा मैं। टॉपिक है सर स्वाध्याय एट। स्वाध्याय एट, राशियों की तुलना। क्लियर है? पहले थोड़ा सा बता दूं आपको इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ने। ये स्वाध्याय हमारे तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3। 8.1 में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं सर कि राशियों की तुलना, मतलब इसमें भी अनुपात के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अनुपात दिया है तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, परसेंटेज दिया है तो अनुपात में कैसे करेंगे। मींस दो ही टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि अनुपात कैसे निकालना सीखे हम लोग और परसेंटेज कैसे निकालना सीखे। क्लियर है? बिल्कुल। 8.2 जब प्रश्नावली आपकी चलती है तो वहां पे हम लोग सर सीखते हैं क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, बट्टा क्या होता है और किस तरीके से तीनों में रिलेशन है और क्या क्या फॉर्मूले हमारे बनते हैं, किस तरीके से बट्टा निकाला जाएगा, किस तरीके से क्रय मूल्य निकाला जाएगा और किस तरीके से विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। क्लियर है? उसके लिए वो टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूंगा स्वाध्याय 8.1 प्रश्नावली, तो पहले आपको ये बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। इस टॉपिक में ऐसा कुछ बेसिक चीजें या फिर फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये टॉपिक डायरेक्टली हमारा स्टार्ट हो रहा है। 8.3 पे जब आप जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ब्याज के बारे में पढ़ना पड़ता है। ब्याज हमारे क्या होते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है एंड चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया चल गया 8.1 में क्या है, 8.2 में क्या है, 8.3 में क्या है। बात करेंगे सीधा टॉपिक की सर राशियों की तुलना कैसे करते हो आप, मतलब ना जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, रेशियो मींस तुलना करना। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है जी। या फिर आप अनुपात, अनुपात में करने के लिए ध्यान रखो, जब आप अनुपात में निकालते हो तो राशियां हमारी समान होनी चाहिए। राशियां समान होनी चाहिए मतलब पैसे का कंपेयर आप पैसे से कर सकते हो, पैसे का कंपेयर रुपए से नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना जब आप अनुपात निकालते हो तो मतलब आपको रुपए को ना पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को आपको मीटर में ही करना है, मीटर का किलोमीटर के साथ अनुपात नहीं निकालना है आपको सर। क्लियर है? घंटे का मिनट के साथ नहीं निकाल सकते हो, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? मतलब समान राशियों की तुलना करना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपात निकालने के लिए बोला गया। बट एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जैसे 5 मीटर है 10 किलोमीटर है, तुलना कर सकता हूं क्या सर? बिल्कुल नहीं कर सकता। पहले मीटर को किलोमीटर में कर दो या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुलना होगा। 50 पैसे का 5 रुपए से तुलना बोल रहे हैं, तो रुपए को पैसे में कर लो, पैसे को रुपए में कर लो। सेम समान राशि होना चाहिए तभी कर सकते हो आप ये चीज। क्लियर सर? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तुलना कर दो। दोनों किलोमीटर में है हमारी इकाइयां, किलोमीटर किलोमीटर सर तुलना कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने आपसे पूछा पहली इकाई क्या है सर, आपने बोला 15 किलोमीटर, दूसरी इकाई क्या है सर 30 किलोमीटर, दोनों सेम है सर, बिल्कुल सेम है तो लिख सकता हूं। चलिए किलोमीटर किलोमीटर सेम है तो उनको कर दो साइड आप। चलो 15 का टेबल आता है सर, बिल्कुल आता है, 15 1 15 15 2 1 1:2 ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करेंगे 5 मीटर की तुलना 10 किलोमीटर से कर सकते हो क्या? अभी तो आपने बताया सर कि राशियों का क्या करना पड़ेगा, समान। तो मैंने बोला पहली राशि हमारी क्या है सर, 5 मीटर। कितनी है 5 मीटर, इसको मैं पहले लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं, ये तो मीटर में, ये मैं किलोमीटर को मीटर में ले लेता हूं। तो आपका सर सेकेंड राशि है ना 10 किलोमीटर, कितना है सर किलोमीटर, तो आप बताओ पहले ना 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है सर, 1000 मीटर।
ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हमारा होता है। तो मैंने आपसे पूछा भाई 10 किलोमीटर में फिर कितना मीटर होता है, आप ये बताओ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर सर, तो 10 किलोमीटर में ना 10 × 1000 कर दूंगा। गुणा क्यों किया समझा क्या बच्चे को, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना सर, गुणे कर दूंगा 10। क्लियर है, कर दो भाई 10 से गुणा करोगे, 1 0 लगेगा, 1 2 3 और 1 4, 4 0 में 10000 मीटर हो गया। क्या हो गया बेटा आप लोग का, 10000 मीटर। मीटर मीटर सेम हो गया सर, मीटर मीटर सेम हो गया, 1 और 2 हमारा सेम हो गया। तुलना कर सकते हो आप क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने बोला कर दो तुलना, आप लिखोगे आप 5 बिल्कुल है, बटे कर दो आप 10000, 5 एकम 5 सर, 5 × 2 कितना होता है सर, 10 होता है। कितना जीरो बचे सर, 1 2 3, 1 2 3 ऊपर क्या आया सर, 1:2000, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं 50 पैसे का कंपेयर 5 रुपए से होता है क्या सर, बिल्कुल नहीं होता भाई। पहली क्वांटिटी पहली राशि मेरी क्या है सर, 50 पैसे, मैंने बोला इसको लिखो कथन एक लिख दो। दूसरा क्या है सर, 5 रुपया है, दूसरा है सर 5 रुपए। तो मैंने आपसे पूछा 1 रुपए में कितने पैसे, तो हर किसी बच्चे को इतना तो पता होगा सर 1 रुपए में होते हमारे 100 पैसे, 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं हमारे, तो 5 रुपए में कितना, 5 रुपए में 5 × 100। चलिए पैसे पैसे आपके बराबर हो गए सर, 50 पैसा 5 100 पैसा, ये हो गया 2, सामान्य इकाई हो गई ना। अब तुलना कर दो इसकी सर, पहला क्या है सर 50 पैसे, दूसरा क्या है सर 500 पैसे, 0 से 0 कट हो जाता है सर, बिल्कुल 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 50, 1/10, 1/10 मतलब होता है सर 1:10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ शिफ्ट होते हैं, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जब आपका कोई भी अनुपात दिया है प्रतिशत में करना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सी चीज है सर। क्या दिया है 3:4, पहले तो इसको बटे में लिख दो, गुणे कर दो 100 सर, 100 क्यों आया, जब आप किसी भी अनुपात को 100 में करते हो मतलब परसेंटेज में करते हो, प्रतिशत में करते हो तो गुणे करना पड़ता है सर 100, तो यहां पे भी तो वही करोगे 2/3 × 100, गुणा भाग आना चाहिए बिल्कुल सर, यहां पे कुछ नहीं ना एक होता है, यहां पे कुछ नहीं ना एक होता है सर, गुणा हो जाएगा ये हमारा 3 का गुणा 100 में 300 बटे होता है 4, 2 का गुणा सर 200 बटे होता है 3। तो मैंने आपसे पूछा पहाड़ा आता है क्या, पहाड़ा आता है तो पहाड़ा करेंगे सर 4 / 300, 4 का पहाड़ा 30 आना चाहिए सर, 4 सत्य होता है ना, 4 सत्य होता है सर 28, 2 बचेगा 20, 4 × 5 = 20, इट मीन्स 75 और लगा दो बाजू में प्रतिशत, हो गया 75%, 75% हो गए। नेक्स्ट मैं पूछूं 3 का पहाड़ा आता है क्या, यहाँ पे भाग दे देता हूँ 300 / 3 सर 3 6 होता है ना 18, 2 बचा 20 आया, 3 6 होता है सर हमारा 18, कितना बचा सर 2। क्लियर है, क्लियर है क्या, तो बहुत सारे बच्चों का लिखने का पैटर्न अलग होता है, कैसा लिखते हैं इसको ध्यान से देख लो, कितना आया भाग देने पे 66, तो 66 मतलब 66, और मैंने बोला शेषफल कितना है सर 2/3%, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखा सर, जो हमारा शेषफल होता है ना भाई वो ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग दे रहे ना उसको नीचे लिख देते हैं, और जो मेरा आंसर आया भाजक जो आया ना भाई इसको लिख देते हैं यहाँ पे 66 सही 2/3%। अगर किसी बच्चे ने दशमलव में लेके चले गए तो भी गलत नहीं है, कर सकते हो कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बहुत बच्चे दशमलव लगा के यहाँ पे लिखेंगे 20, 3 6 होता है सर 18, 18 फिर 3 6 18, 3 6 18, तो इसका आंसर एक याद ये लिख सकते हो, नहीं तो ना सर 6 6 6% दशमलव में लिख रहे तो ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर आपका राइट है।
क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या क्वेश्चन नंबर टू तक? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर टू तक क्लियर है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। चलिए बात करेंगे आज के लेक्चर की, दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद में अगले लेक्चर में बात करेंगे सर फिफ्थ एंड सिक्स वाले क्वेश्चन की। बच्चों आप लोग को बोरिंग सा भी ना फील हो भाई, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करता हूं, टाइम भी लिमिट करता हूं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो पाए भाई, क्योंकि मैथ्स आठवीं क्लास आप लोग का बेस है। जिन बच्चों का बेस का कॉन्सेप्ट आपका यहां पे नहीं क्लियर होगा, आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए मैथ्स में अभी से रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना हमको सर, कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करेंगे, 25 विद्यार्थियों में से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली आंसर भी निकल रहा है सर। क्या क्वेश्चन है? 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। बोला ना 25 कोई कक्षा जहां पे 25 विद्यार्थी है, 25 में से ना कितने प्रतिशत गणित में इंटरेस्टेड है, मतलब जिनको गणित ना थोड़ी सी अच्छी लगती है सर, कितने प्रतिशत सर? 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो कोई भी बच्चा बता देगा सर, जब कॉमन से दो ही बच्चे होंगे, एक तो गणित में इंटरेस्ट जिसको आता है, मजा जिसको आता है सम सॉल्व करने में, एक होते हैं जिनको बोरिंग सा लगता है। अब ये बता दिया 72% है, तो बचे हुए जो रहेंगे उनको गणित में इंटरेस्ट नहीं होगा। कितने सर? 100% हमेशा होता है हमारा, 100 में से ना 72 घटा तो बच गए जो हमारे आंसर हो गया। तो सर क्लियर क्वेश्चन है भाई, आपको लिखना क्या है ध्यान रखना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, वो चीज ध्यान रखना। पहले तो आप बताओ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है सर क्लास में? 25 है। क्लियर है? कहां से देखा? क्लियर देखा है। गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं सर? गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं सर? 72%। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहे सर कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो सीधा आंसर, गणित में रुचि ना रखने वाले, ना रखने वाले विद्यार्थी कैसे निकालोगे? 100% टोटल होते हैं सर, माइनस कर दूंगा 72%, कितना है सर? 28% मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर लिखना, सीधा आंसर नहीं लिखना, ऐसा स्टेप थोड़ा सा कर देना कर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया सर, क्वेश्चन नंबर फोर। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, क्वेश्चन है ना, कुल जितने मैच खेले, कितने खेले पता नहीं है सर, कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत हासिल की है भाई, 10 मैच में जीता, बट कितना खेला वो नहीं पता, बट जीते कितना वो दिया गया। तो सिंपल से लिखो भाई, कुल जीते हुए मैच, कुल जीते हुए मैच सर हमको पता है कितने मैच जीते सर? 10 मैच, 10 मैच जीते ना सर, ये तो क्लियर लिखा 10 मैच जीता, कितने में से जीता नहीं पता। आगे देखो क्या बोल रहे, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, जीत का प्रतिशत कितना प्रतिशत मैच जीतते हो भाई आप लोग? 40% जीतते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ना भाई कितना परसेंटेज लाते हो सर, 60%। कितने परसेंटेज लाते हो सर? 80%। कितने परसेंटेज लाते हो सर? 30%। अलग अलग बच्चों का अलग अलग परसेंटेज आता है ना। तो देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या पूछ रहा है, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, कुल मैच कितना खेला ना, कुल मैच कितने खेले हैं यही फाइंड आउट करना है, मतलब यही निकालना है, यही ढूंढना है आपको। बहुत आसान सा आंसर है। कैसे सर? कैसे? अब ये देखो, मैच छोड़ दो आप, इसको कोई भी क्वेश्चन लॉजिक आप लगाओ, एग्जाम में आपके ना टेस्ट होता है, आपके स्कूल में ना, आपके क्लास में ना टेस्ट हुआ और बोला ना कि आपका आपका बताया गया भाई अब 40% आपको मिला है, ध्यान रखना पूर्णांक कितने का वो नहीं बता रहे, बताया कि आपको 40% मार्क्स मिला है, और 40% मार्क्स मतलब ना आपको 10 नंबर मिला है। ध्यान से सुन लो, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आपको ये बोला गया भाई, किसी का भी नाम पर्टिकुलर नाम ले लो, ए पार्टी का, ए स्टूडेंट का, बोला गया आपको 40% अंक मिले, लेकिन अंक मिला है 10,
प्रतिशत में निकालोगे 40% है, बट अंक मिला है 10, तो मुझे आप बताओ भाई कितने नंबर का एग्जाम हुआ सर। कोई भी बच्चा देखो, होशियार बच्चे कैसा बोलते मालूम है, होशियार दिमाग लगाएगा सर 100% का होता है मेरा, बिल्कुल सर, जब 40% मतलब 10 है तो अगले 40 का मतलब भी तो सर 10 होगा, 40 80 हो गया, 20% और चाहिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 25। जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग दौड़ता है ना, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि सर 40% का 10 होता है तो 40 का भी 10 होगा, 40 80% हो गया, 20 और चाहिए तो 20, जब 40 का 10 है तो 20 का 5 होगा, हो गया 25, आंसर मिल गया 25 और राइट भी है 25। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा, इसका सिंपल आंसर, बहुत सिंपल आंसर, जब इस तरीके के सम्स आपको पूछे जाते हैं ना तो बहुत ईजी आंसर है। 40% मतलब जब आपका 10 है तो क्वेश्चन आप खुद पूछो बेटा आपका 100% मतलब कितना, 100% मतलब कितना क्वेश्चन, तो इसमें किया जाता है ना, इसको बोलते हैं त्रियक गुणा। क्या बोला जाता है आपका? त्रियक गुणा। कैसे त्रियक गुणा? 100 × 10, तो यहां पे आपको वही करना पड़ेगा, 100 × 10 बड़े में 40। ध्यान से देखो, त्रियक गुणा ऐसा होता है 10 × 100, 40 × यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब वो बटे में रहेगा, और हमेशा इस टाइप के सबको ऐसे ही किया जाता है सर। चलो 0 0 कैंसिल, क्या बचा है सर 100/4, 4 का पहाड़ा आते है क्या सर? बिल्कुल, 25 100 का 100 25 मैच हमारा आंसर हो गया। ये तो हमने वैसे भी किया था, बट एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे अभी तक हमारे। एंड सीपरेट ध्यान से सुनो, कक्षा 8 वाले आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, जो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराता हूं प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के रख दिया है, क्लास 10th हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के नाम से आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हो, जो चैप्टर्स मैंने पिक किए उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिए हैं। चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक ना 8वीं 9वीं 10वीं क्लास को शेयर करते रहो, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू मैथ्स में स्पेशली बहुत ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली जो आपकी क्लास आने वाली है ना, क्लास 9th क्लास 10th में भी अगर आपको क्लास लेने की रिक्वायरमेंट ना हो, हर एक टाइप हर एक सम्स हर एक स्वाध्याय जितने अच्छे तरीके से पॉसिबल हो पा रहे हैं ना, उतने अच्छे तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसके रिमेनिंग सम्स की बात करेंगे, मींस जो हमारे बचे हुए समय ना उसकी बात करेंगे एंड टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।